हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल नॉलेज हब पे। देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो यस, टुडे वी स्टार्टेड द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज व्हिच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं। सो ये टॉपिक आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी हम इसे पढ़ेंगे और आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत यूजफुल है। वेल, मुझे तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपको भी लगना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जो भी आपने 10th में पढ़ा है अभी तक, किसी भी एपी के लिए हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करते थे? tn is equals to a plus n minus 1 into t। सपोज हमें 3 नंबर्स एपी में लेने हैं तो हम कैसे लेते हैं? a माइनस डी, a प्लस डी। 4 नंबर्स अगर हमें लेने हो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। इसी तरह अगर हमें 5 नंबर्स लेने हो, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें किसी भी एपी का सम निकालना हो, a1, a2, a3 अप टू an, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। तो sn होता है हमारे पास n by 2 2a plus n minus 1 into t। इफ वी नो द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज n by 2 a plus l। दोनों से आंसर सेम ही है। nth term from the end, अगर हमें n से nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास m माइनस n माइनस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी बिगनिंग से इतना टर्म हमारा n से nth टर्म होगा। इधर m हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n जो टर्म हमें फाइंड करना हो, टर्म विच इज फाइंड विच इज वॉन्ट टू फाइंड। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो मेरे काम चलता नहीं है। अब जितना हमें आता था हमने रिवीजन करा, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई इट। आई थिंक अब तक कर लिया होगा, जिनका आंसर सही है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जिनको नहीं आया वो देख। क्वेश्चन में हमसे बोला है If 100 times the 100th term of an AP with non-zero common difference, यानी कि एक ऐसी AP है जिसमें common difference zero नहीं है, is equal to 50 times the 50th term, then find its 150th term। तो हमसे बोला 100 times the 100th term equal to 50 times the 50th term। So solve करते हैं 100। ठीक, 100 को हम लिख सकते हैं a plus 99d is equal to 50 a plus 49d, cancel out, 2a plus 2 9 is 18,
198D is equals to A plus 49D. A plus 149D is equals to 0. And what is this? This is your T150. T150 you have written as A plus 149D. Yeah. T150 is equals to 0. Option D is correct. और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये क्वेश्चन जेई का है. So, देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है और जो जेई में आया है. So, let's move to the next. So, here is the next question on your screens. वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कर. नहीं करा, देखते हैं. मैंने बताया था कि अगर हमें 4 नंबर्स लेने हैं एपी में तो हम लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d. क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, यानी हमें ये 4 नंबर्स फाइंड करने हैं such that the sum of first and last is 8. Yani first term or last term ka sum jo hai wo hame given hai 8. Yani a plus 3d plus a plus 3d is equals to 8. 3d se 3d ka cut out, 2a is equals to 8. A ki value aa gayi 4. Next usne humse bola hai and the product of second and third is 12. सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 12, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12. a की वैल्यू 4 गिवन है, मतलब हमने निकाली 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2. तो यहाँ पे हमारी 2 एपीज बनेंगी, यानी हमारे पास नंबर्स आएंगे. पहले फर्स्ट टर्म अगर हम लिखे हैं, पहला नंबर हम लिखे हैं वो होता है a माइनस 3d. a की वैल्यू तो फिक्स है 4, पर d की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो a की वैल्यू 4 माइनस 3. अगर हम d की वैल्यू प्लस 2 लेते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 4 माइनस 6 माइनस 2, और अगर हम d की वैल्यू माइनस 2 लेते हैं तो हमारे पास आता है 10. इसी तरह से नंबर बनेंगे, फोर नंबर्स आर 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 6 10. नेगेटिव में कुछ नहीं होता, इसी का रिवर्स हो जाता है दूसरी एपी, 10 6 2 माइनस. So these numbers are the four numbers which are in AP. So here is the next question on your screens. Video ko pause karke try zarur kare. JE Main 2028 Gen ka question hai. I think ab tak to sab logo ne ise khatam kar diya hoga. Dekhte hain kaise hoga ye. Usne bola hai for an AP the 10th term is 1 by 20 and 20th term is 1 by 10. Find the sum of first 200 terms. Bahut simple hai. T10 and ki A plus 9D is equals to 1 by 20 and T20 which is A plus 19D is equals to 1 by 10. दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, हम A और D की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं. On subtracting equation 2 from equation 1, minus of 10D is equals to 1 by 20 minus 1 by 10. Minus of 10D is equals to 1 by 20 minus, to make it easier, make the LCM same. Minus of 10D is equals to minus 1 by 20. Minus से minus गया. D की वैल्यू आ गई 1/200. अब D की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. A की वैल्यू आएगी A प्लस 9 1/200 इज इक्वल्स टू 1/20. 1/20 माइनस 9 अपॉन
wanted. So make it easier, make the LCM same. 10 upon 200 minus 9 upon 200 which is 1 upon 200. हमें A भी मिल गया, D भी मिल गया, अब क्या करना है? सम निकालना है S 200 का. S 200, N by 2, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n by 2 2a plus n minus 1 into d. S 200 हमें निकालना है तो 200 by 2 2 into 1 upon 200 plus 200 minus 1 into 1 upon 200. 100 2 upon 200 plus 199 upon 200. मैंने इसलिए इसलिए निकाला क्योंकि हमारा एलसीएम सेम है. 100 201 upon 200 20 So here is the next question on your screens. Please stop the video and try it with your own. I think अब तक तो सबने कर लिया होगा. क्वेश्चन में हमें गिवन है a1 plus a2 plus a3 up to a ab तक जा रहे हैं. इसका सम अपॉन a1 plus a2 plus a3 up to aq is equal to p square upon q square. इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, p not equal to 2 है. मैं फाइंड करना है रेशियो 6 टर्म अपॉन 21 टर्म का. तो देखते हैं ऐसी ap का सम जो कि p टर्म तक जा रहा है वो होगा p by 2 2a plus p minus 1 into d upon जो q तक जा रहा है q by 2 2a plus q minus 1 into d is equals to p square upon q square. 2 से 2 cancel out, 1 p से 1 p गया और 1 q से 1 q गया. यहाँ पर अगर मैं 2 common ले लूँ तो बचेगा a plus p minus 1 by 2 d upon a plus q minus 1 by 2 is equals to p upon q. अब हमें गिवन है a6 upon a21, यानी अगर a6 को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे a plus 5d और a21 को अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे a plus 20d. ये वो ही हमारी फॉर्म बन चुकी है a plus, यानी ये वाला जो टर्म है वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा p minus 1 by 2 is equals to 5, p minus 1 is equals to 10, p की वैल्यू हमें मिल गई 11. ऐसे यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म 20 के बराबर हो जाएगा, यानी कि q minus 1 by 2 is equals to 20, q minus 1 equal to 40, q की वैल्यू आ गई हमारे पास 41. तो a6 upon a21 उसने पूछा तो वो है p upon q, p की वैल्यू आ गई 11 और q की वैल्यू आ गई 40. दिस इज द डिजायर्ड आंसर. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन्स. प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड डू इट विद योर ओन. ओहो अब तक तो मजा आ गया होगा बिल्कुल. देखते हैं क्वेश्चन में हमें दो एपीज गिवन है. फर्स्ट एपी है 258 अप टू G2n तक जा रही है और सेकंड एपी n तक जा रही है. हमें गिवन है इफ S2n इज इक्वल्स टू n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो सिंपल. यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2n है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है. हमें 2n टर्म्स का सम निकालना है तो हो जाएगा हमारे पास 2n by 2, 2a plus total number of terms minus 1 into d is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. इस AP के लिए a की value 2 है और d है हमारा 3. a की value 2, 2 into 2 plus 2n minus 1, d की value 3.
इस एक्वी के लिए ए की वैल्यू है 57 और डी की वैल्यू है 2. 4 प्लस 6n माइनस 3 27 जब 14 210 ओवर 11 प्लस 2n माइनस 2 n से n कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 112 प्लस 2n इधर से 2 कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस 6n इज इक्वल्स टू ये बचेगा अपने पास 56 प्लस n 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6n माइनस n इक्वल टू 56 माइनस 1 5n इज इक्वल्स टू 55 n की वैल्यू आ गई 11 सो हियर इज द एंड ऑफ आवर सेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क क्वेश्चंस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं जो बच्चा मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में देगा मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में जरूर लाऊंगा थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए धन्यवाद